अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने रिसीवर का मॉडल नंबर कैसे देख सकते हो। ठीक है, जब इसका सॉफ्टवेयर करते हैं तो उसके लिए इसके मॉडल नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि आप इसका मॉडल नंबर कैसे देख सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो कि इसका मॉडल नंबर क्या है, और जो है इसका सॉफ्टवेयर कैसे जो है आप डाउनलोड कर सकते हो किस मॉडल नंबर के नाम से। ठीक है फ्रेंड, ये सारा मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड, वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। जो नए आने वाले हज़रात हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो उनको आसानी से मिल सके। तो चलें फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मेरे पास एक रिसीवर पड़ा है MW1171 का। ठीक है, तो इसको मैं खोल लेता हूँ, ज़रा खोल कर फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड, ये मैंने इसको खोल लिया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मॉडल नंबर जो है वो किधर लिखा हुआ होता है। ये देखें फ्रेंड, ये देखें इस जगह पे, ये इसका जो है मॉडल नंबर लिखा हुआ है GX6805S। ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है। ये फ्रेंड, इस नंबर के ज़रिए आप इसका सॉफ्टवेयर मंगवा सकते हो किसी भी अपने फ्रेंड से, किसी भी जानने वाले से जिससे आपने सॉफ्टवेयर मंगवाना हो या डाउनलोड करना हो, तो ये नंबर है जिसकी जो आपने देख कर इधर से फिर इसका सॉफ्टवेयर जो है वो मंगवाना है या डाउनलोड करना है। ठीक है, सब जितने भी फ्रेंड रिसीवर हैं जिनका भी सॉफ्टवेयर आप मंगवाते हो वो सबका नंबर इधर ही लिखे होते हैं इसी जगह पर। ठीक है, तो यहाँ से आपने सॉफ्टवेयर मंगवाने करने हैं ये नंबर देख के। इसके अलावा फ्रेंड, और मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ की ज़रूरत है। ये देखें फ्रेंड, ये इस रिसीवर को मैंने ऑन कर लिया है। ठीक है, ये LCD की स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये मेन्यू में आपने आना है। ये देखें, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन, इसको आप ओपन करेंगे तो ये देखें, ये सामने इसका वर्जन लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें हार्डवेयर वर्जन। ठीक है, ये फ्रेंड इसकी आपने तस्वीर खींच लेनी है। ठीक है, ये वर्जन आपको जो है याद होना चाहिए, और जो मैंने पहले आपको दिखाया इसका पासवर्ड जो इसके कार्ड के अंदर था, ठीक है, कोड, वो ये दो चीज़ें फ्रेंड आपने जो है ना भेजनी है अपने फ्रेंड को जिससे आपने सॉफ्टवेयर लेना है। ठीक है, इसका उसको आपने ये दो चीज़ें सेंड करनी है, तब आपको जो है वो सॉफ्टवेयर इसका डाउनलोड करके दे देगा। तो ये दो फ्रेंड चीज़ें हैं इसकी जिससे आप सॉफ्टवेयर इसका डाउनलोड कर सकते हो। देख लें, इसके अंदर हुआ हुआ है 17 जुलाई 2019 का। ठीक है, इसके अंदर न्यू करना है तो ये दो चीज़ें आपने देखनी है। नेट से अगर डाउनलोड करना है तब भी आपने इसका ये हार्ड वर्जन और वो जो आपको पहले दिखाया मैंने कोड, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। पहले हार्ड वर्जन लिख कर आप गूगल पे सर्च करें, इसका सॉफ्टवेयर निकालें। ठीक है, इसका हार्ड वर्जन ये है HW2003.00.015। ठीक है, ये वाला है, ये F1 F2 का रिसीवर है ये। ठीक है फ्रेंड, इन चीज़ों से जो है आप इसका सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर सकते हो नेट से। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखें USB के ज़रिए इसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड में इस जगह पर आप लगा सकते हो, इसे लगा कर इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये दो चीज़ों के ज़रिए फ्रेंड आप अपना रिसीवर में न्यू सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें अच्छा सा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।